अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एक दिनी प्रवास पर पहुंचे रीवा। राजनिवास में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए बैठक। गुरुवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधांशु त्रिपाठी एक दिनी प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय राजनिवास में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। इस दौरान राजनिवास में कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा नजर आया। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में विंध्य में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, जिसके चलते कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और समय रहते आंतरिक स्तर तक पार्टी की पहुंच बनाकर आगामी चुनाव में अपना प्रदर्शन बेहतर करना चाहती है। राजकुमारी चल रही है, किसको लेके और क्या आज की रणनीति? राजकुमारी किसी को लेके नहीं होती है, राजकुमारी होती है जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उस चुनाव में कौन सा प्रत्याशी जो है जिताऊ हो सकता है, किस प्रत्याशी के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की राय है, आम जनता की राय है, वो राय ली जाती है। वही राय लेने के लिए माननीय सह प्रभारी जी आज हरीवा में आए हैं। तो हमारे जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, उसे करने के लिए आए। आज हमारे राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश के सह प्रभारी डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी जी रीवा आए हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए, कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए और विधानसभा चुनाव में क्या कमियां हुई जिसको हम दूर करके बेहतर चुनाव। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जो हैं, 3 दिवसीय दौरा है लोकसभा चुनाव के दर्द में। 15 तारीख को उनका सपना में था, 16 तारीख को सीधी और सिंगरौली किया, उसी सिलसिले में आज ही रीवा लोकसभा का कौन सा कैंडिडेट कैसा कैंडिडेट होना चाहिए। पिछले चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई तो उसको जीतने की तब्दील कैसे किया जाए, इस वजह से वो कार्यकर्ताओं से, लोगों से, नेताओं से बातचीत करते हैं। राजकुमारी में आपका भी नाम आ रहा है, हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्याशी के तौर पर। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता प्रत्याशी हो सकता है, जो कार्यकर्ता प्रत्याशी हो सकता है तो हम भी कार्यकर्ता हैं। और लोकसभा चुनाव की सरगर्मी और सुगबुगाहट दोनों शुरू हो गई है, तो आज कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है कि अगला सांसद रीवा का कौन हो, आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे, किसको टिकट दिया जाए। तो इस बात पर मंथन और विचार विमर्श पार्टी कर रही है और हम लोग ने मांग की है कि जिसको भी टिकट देना है दें, लेकिन थोड़ा जल्दी कर दें ताकि वो अपना काम और बेहतर तरीके से समझ सके और जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हमारे जो प्लान्स हैं रीवा के प्रोग्राम्स, उनको ले जाकर ऊपर दिल्ली तक रख पाए ताकि द्रुत गति से तीव्रतम तरीके से मध्य प्रदेश के विकास के साथ साथ ही पूरा देश भी विकास के दौड़ में कांग्रेस पार्टी के हाथ के साथ शामिल हो सके। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनिवास में AICC के सचिव सुधांशु त्रिपाठी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान कई दावेदार सामने आए। दावेदारों को लेकर पार्टी में क्या स्थिति है, इस राजनीतिक परिदृश्य की रीवा दर्शन की टीम ने भी चर्चा की। कांग्रेस पार्टी के ICC के मेंबर यहां पर पहुंच चुके हैं, रायशुमारी जारी है, वो लगातार कांग्रेस के लोगों से मिल रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको लोकसभा में जिताऊ उम्मीदवार मिले। वो एक एक करके कांग्रेस के लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर कुछ कांग्रेस के लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार लोकसभा में किस तरीके के प्रत्याशी को वो लोग चाहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रत्याशी उनको मिले जिससे वो इस बार लोकसभा में कांग्रेस जीत सके। हमारे साथ मनीष जी मौजूद हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है कांग्रेस इस बार किस तरीके के प्रत्याशी को टिकट देगी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एक तो कांग्रेस पैराशूट नेताओं को बचाए, जो जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया हुआ है उनको ये आगे लाएं और एक सामंजस्य बना के जिससे विरोध ना हो, सब लोग जिस पर लगभग सहमत बन पाए, वो नाम होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश जी। मुकेश जी इस बार विधानसभा का टिकट भी मांग रहे थे, काफ़ी दिनों से कांग्रेस में सक्रिय हैं और लगातार कांग्रेस के साथ लगे रहे, कांग्रेस की चाहे जो भी स्थिति रही हो हमेशा उन्होंने कांग्रेस का झंडा उठाया। हम उनसे जानेंगे लोकसभा में क्या लग रहा है आपको, किस तरीके का प्रत्याशी, क्या आप भी टिकट के दावेदार हैं? देखिए जावेद जी, कि जिस तरीके से अभी
क्योंकि अभी हाल ही में मैं बाहर से आया हूँ, तो मुझे भी कहीं की जिम्मेदारी लोकसभा की दी गई है प्रभारी बना के। तो मुझे जो महसूस हो रहा राहुल गांधी जी का जो डायरेक्शन है कि हम किसी भी कीमत में जो जिताऊ प्रत्याशी हो, और जिस तरीके से अगर आप रीवा की बात करें तो रीवा में मैं समझता हूँ कि रीवा में जो परिणाम विधानसभा में हमारे आए हैं उसको देखते हुए जो बात मनीष जी ने भी कही है कि हमारे कांग्रेस के बीच का कोई पुराना अच्छा कार्यकर्ता हो उसको टिकट दिया जाए, और बहुत सारे जो और समीकरण जो कि मंथन में आ रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव क्यों हारे, एक सीट दो सीट हारते तो बात ठीक थी, लेकिन हम पूरी जिले में विधानसभा हार गए, तो इस कौन से इसमें ऐसे पॉइंट रहे, कौन से ऐसे पॉलिटिकल चूक हुई कांग्रेस से टिकट लेने में विधानसभा में, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग चाहते हैं कि टिकट जो है अच्छे आदमी को दिया जाए, कांग्रेस यहाँ से जीतने की स्थिति में जाए, और अच्छे कार्यकर्ता को निष्ठावान आदमी को टिकट दिया गया तो निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ जीत जाएगी। मुकेश जी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी लगातार ये बात हुई थी और कहा गया था कि 8 के 8 प्रत्याशी आपके जीत रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल उल्टा, तो क्या इस बार विधानसभा में जो गड़बड़ियाँ हुई थी या जो आप लोगों को उसके बाद लगा महसूस हुआ कि ये गड़बड़ियाँ हुई थी, क्या आपने दूर कर लिया? देखिए ऐसा है कि जो काम जिसको दिया जाता है, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हूँ, मुझे जहाँ की जिम्मेदारी जो काम दिया गया है उसको मैं वहाँ पर पूरा कर रहा हूँ। सवाल जहाँ तक रीवा का है, चूँकि सवाल राजनीति तो रीवा में ही कर रहे हैं, टिकट भी यहाँ से मांगते हैं, तो यहाँ पर इस बार हम लोग दिल्ली में भी और यहाँ जो पर्यवेक्षक आए हैं उनसे भी अपनी खुली राय रखेंगे कि जो गलतियाँ पिछले चुनाव में हुई हैं, मैं ये मानता हूँ मनीष जी के बाद सहमत हूँ कि बहुत 15-20 साल हमारी सरकार यहाँ 15 साल नहीं रही, और किस तरीके से किस समंजस को बैठा कि हम लोगों ने रात दिन एक करके पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके, और ये अपेक्षा की थी कि उन्हें उचित सम्मान मिलेगा, टिकट मिलेगा, बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं और उसके परिणाम भी उन लोगों के सामने भी हैं जो जिन्होंने किया है। मैं इसमें कोई वो नहीं कहना चाहता हूँ यहाँ के नेताओं ने, उनको और उनको कायदे से समझना चाहिए, मैं समझता हूँ जो हमारे नेता हैं प्रदेश के। मुकेश जी का साफ तौर से कहना कि जो गड़बड़ियाँ हुई थी हम उनको दूर करेंगे, इस बार आपको क्या लग रहा है कि वो गड़बड़ियाँ वाकई दूर होंगी कि या फिर से एक बाहर से प्रत्याशी आएगा और चुनाव लड़ेगा और हार के फिर बैठ जाएगा, 5 साल आप इंतजार करेंगे? देखिए तो समय बताएगा, ये समय बताएगा। आप किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं कि किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए प्रत्याशी तो जीतने वाला होना चाहिए, प्रत्याशी जीतने वाला होना चाहिए। जी जी। कुछ कहेंगे आप भी? मैं जिला अधिवक्ता संघ का सचिव हूँ और जिले का उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी का। मेरा कहना केवल इतना है, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सदैव जिसको टिकट मिली है उसके साथ रहे। इस बार भी रीवा में मंत्री जी 50,000 वोटों से ऊपर से जीते थे, वो आंकड़ा कार्यकर्ताओं ने घटा के उसको 18-20 हज़ार में लाया। कहीं के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, लेकिन जो टिकट वितरण में थोड़ा सा दिक्कत हुई, प्रत्याशी का चयन था वो ठीक नहीं होने के कारण अपन ये चुनाव हार गए। प्रत्याशी का चयन ठीक नहीं था, कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत की, कार्यकर्ता मेहनत करना चाहता है, कार्यकर्ता चाहता है कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते। अब देखना है कि लोकसभा में राय शुमारी के बाद कांग्रेस किस तरीके के प्रत्याशी को टिकट देती है जिससे वो लोकसभा में रीवा से कांग्रेस का खाता खोल सके। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस रीवा में काफ़ी अरसे से लोकसभा का टिकट नहीं जी, लोकसभा का प्रत्याशी अपना नहीं जीता पाई है। यहाँ पर से कभी बहुजन समाजवादी पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही जीतते रहे। इस बार कांग्रेस के लिए स्थितियाँ और भी विकट हैं, उनके 8 के 8 प्रत्याशी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का माहौल है। अब देखना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो तैयार बैठे हैं कांग्रेस को जिताने के लिए, लेकिन नेता किस तरीके के कैंडिडेट को टिकट देते हैं। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। रीवा दर्शन की टीम ने राय सुमारी को करीब से समझा और जाना। इस पूरे मसले पर पेश है खास चर्चा। हम इस समय मौजूद है रीवा के राजनिवास में, यहाँ पर चहलकदमियाँ काफी बढ़ी हुई हैं। यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधांशु त्रिवेदी जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी राय शुमारी ले रहे हैं लोकसभा चुनाव की। सुबुगाहट रीवा में आज से आगाज कांग्रेस पार्टी के दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का कैंडिडेट कांग्रेस का यहाँ पर इस बार संभावित प्रत्याशी हो सकता है। सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपको किस तरीके का यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी इस बार देखने में नजर आएगा?
देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सह सचिव हैं सुधांशु यहाँ आए हुए हैं राज्य विकास में कर रहे हैं, जो अभी हमने देखा है यहाँ पे, कई लोगों से हमने चर्चाएं भी की है, उसमें जो प्रमुख तौर पे तीन दावेदार सामने आ रहे हैं जिसमें महाराजा पुष्परा सिंह जी हैं, सुंदरलाल तिवारी जी हैं और अभय मिश्रा जो रीवा विधानसभा से प्रत्याशी थे। तो इसमें से सबसे पहला नाम अगर कह सकते हैं उसमें पुष्परा सिंह का आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो 1.5 लाख लगभग वोटर इन्हें मिले थे। और दूसरी चीज़ इसके बारे में स्वच्छ छवि कह सकते हैं, बेहतर राजनीतिक हर चीज़ में ये परिपूर्ण है, चाहे राजनीति के तौर पर हो या जनता से मिलने की बात करें, भेदभाव तो सबसे मिलनसार है। और दूसरे पे जो है सुंदरलाल तिवारी हैं और फिर अभय मिश्रा हैं। लेकिन अगर इन तीनों से हटें तो यहाँ सबसे बड़ी बात कह सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग भी एक आ रहा है जो अभी तक यहाँ नहीं आ रहा था, जिसमें अगर खासकर अगर कांग्रेस किसी पटेल वर्ग को उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित तौर पर यहाँ बीजेपी को अगर कह सकते जो प्रतिद्वंदी है उसे काफ़ी जो है विरोध का सामना और एक तरह से कह सकते हैं हार की कगार में भी आ सकती है। जो पिछड़े वर्ग की इनने बात की, यहाँ पर पिछले कई बारों से बीएसपी का सांसद पिछड़े वर्ग से ही रहा है, यानी पटेल समुदाय से। हमारे साथ यहाँ जो वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र तिवारी जी मौजूद थे, उनका साफ तौर से कहना था कि इस बार एक प्रत्याशी वहाँ से भी आ सकता है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एक दूसरे वरिष्ठ पत्रकार विजय विश्वकर्मा जी, हम उनसे भी जानेंगे। विजय जी, क्या लगता है आपको यहाँ पर जिस तरीके की आज गहमा गहमी का माहौल है उसमें क्या लग रहा है कि लोकसभा की इस बार से चालू हो गया, कांग्रेस की सुगबुगाहट कांग्रेस दिखने लगी, इस बार सत्ता में आने के बाद कांग्रेस को बदली दिख रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 8वीं विधानसभा में अपना कब्जा किया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हाशिए में चली गई, हालांकि उन्होंने सरकार बनाई लेकिन यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि थे उनकी कमी के चलते कांग्रेस पार्टी ने 8 की 8 सीटें गंवा दी। ऐसे में अब पूरा दामोदार इनका लोकसभा चुनाव हर हाल में जीतना है और तभी ये संभव हो सकता है जब यहाँ पर कोई एक अच्छा कैंडिडेट हो, जो जिसकी ज़मीन से जुड़ा नेता हो, उसकी साख अच्छी हो और वो एक स्वच्छ छवि का हो ताकि वो वोट बैंक पर सेंध मार सके। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है बेहतर, और उस पर कांग्रेस पार्टी सेंध मार पाए ये मुश्किल काम है। और तभी ये संभव हो सकता है जब यहाँ पर कोई एक अच्छा नेता लोकसभा का प्रत्याशी हो। ऐसे में 3-4 नाम जो आ रहे हैं, आप विजय जी मैं आपको रोकूंगा, एक यहाँ पर गंभीर सवाल ये उठता है कि पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने लगातार राय शुमारी की थी, उन्होंने बहुत सोच समझकर टिकट दिए थे, 8 के 8 सीटों पर उन्होंने काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद दिया था टिकट दिया था और लग रहा था कि कांग्रेस यहाँ पर से कुछ न कुछ नया कुछ कीर्तिमान करेगी, शायद वो सारी सीटें जीत ले, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, 7-8 की 8 सीटें कांग्रेस हार गई। कांग्रेस ने काफ़ी राय शुमारी करने के बाद भी, उसमें आपको ऐसा क्या लगता है कि वो कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं जिन पर कांग्रेस इस बार दांव खेल सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्याशी तो अच्छे चुन कर दिए थे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चलते यहाँ पर प्रत्याशियों ने अपनी सीट गंवा दी और खुलकर यहाँ पर राय शुमारी जो हुई और उसमें एक बात सामने आई थी कि जो गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी की वो चरम पर है और उसको पाटने की कोशिश इस बार की जा रही है। ऐसे में यहाँ पर जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, महाराज पुष्पराज सिंह क्षत्रिय समाज से हैं और यहाँ पर महाराज की हैसियत में रीवा रियासत के महाराज होने के चलते उनकी साख अच्छी है और हर वर्ग से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका लगातार पार्टी से दूरी बनाना, सामाजिक कार्यों में गतिविधियों में सक्रिय ना रहना, ये उनकी एक कमी है कि वो लगातार समाज से दूरी बना कर रखते हैं और शरीक नहीं हो रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अभय मिश्र की, अभय मिश्र हाल ही में विधानसभा के प्रत्याशी थे और जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा उसमें उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि अगर लोकसभा का कोई प्रत्याशी हो सकता है तो उनके जैसा ही दमखम वाला हो सकता है। उन्होंने 51,000 वोट हासिल किए रीवा विधानसभा से, अगर 7 विधानसभाओं को अगर और हम जोड़ें उस पर तो जीत के आंकड़े तक वो पहुंच सकते हैं। अगर बात करें हम सुंदरलाल तिवारी की तो सुंदरलाल तिवारी पूर्व सांसद रीवा के हैं लेकिन वर्तमान में उन्हें जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा वो हार का अंतर भी काफ़ी रहा और उनकी छवि भी लगातार धूमिल होती जा रही है, जनता के बीच उनका जो उठना बैठना है वो भी कम हो गया। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ के प्रबल दावेदार हैं तो कांग्रेस पार्टी हर हाल में 2 प्रत्याशियों पर ही दांव लगा सकती है, जिसमें पहला नाम अगर आता है तो क्षत्रिय समाज से, जिसमें पुष्परा सिंह रेस पर हैं
और अगर दूसरे प्रत्याशी की बात करें तो अभय मिश्र, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन किया था और ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक तीसरा नाम भी आ रहा सामने, संजीव मोहन गुप्त का, तो संजीव मोहन गुप्त का वोट बैंक इतना बेहतर नहीं है कि वो यहाँ पर फतह हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं है और एक तरह से ये माने कि विधानसभा और लोकसभा की जो वोट बैंक है, जो मतदाता है, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाएंगे। विजय जी का साफ तौर से कहना था कि इस बार कांग्रेस 3 प्रत्याशियों पर ही दांव खेल सकती, बाकी प्रत्याशी किसी न किसी रूप से यहाँ पर कमजोर साबित होंगे। रीवा में हमेशा जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा का टिकट दिया जाता है। लोकसभा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। कांग्रेस विधानसभा की 8 की 8 सीटें हार गई है। इस बार इसको देखते हुए कांग्रेस बहुत सोच समझ कर अपना प्रत्याशी चुनेगी। जैसा कि आप ने अभी देखा, कांग्रेस ने आज से ही रायशुमारी चालू कर दी है। उनके ICCC के मेंबर यहां पर रीवा पहुंच चुके हैं। वो लगातार कांग्रेस के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वो ये प्रयास में हैं कि किसी तरीके से उनको कांग्रेस का एक ऐसा प्रत्याशी खोज निकालें जिसको लोकसभा में विजय श्री हासिल हो सके। हमारे साथ विजय और सुरेंद्र जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा दर्शन से मैं जावेद अंसारी। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अब उस तरह कदम बढ़ा रही है जैसे दूध की जली बिल्ली। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रीवा दर्शन। नमस्कार। खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है। खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, जिसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है। खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है। खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाती है। सच्चे और सही रास्ते से गुजर कर जो लाए सही पहचान, यही है रीवा दर्शन की पहचान।